सिट डाउन को लेकर कटरा एसडीओ और संविदा कर्मियों में हुई कहासुनी। एसडीओ पर गाली देने का आरोप लगाते हुए संविदा कर्मी बैठे धरने पर। शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा नगर में विद्युत उपकेंद्र कटरा पर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे लाइनमैन स्टाफ और एसडीओ कटरा के बीच सिट डाउन लेने को लेकर कहासुनी हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि संविदा कर्मियों ने एसडीओ पर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए जैतीपुर के स्टाफ को भी बुला लिया और विद्युत उपकेंद्र परिसर में धरना प्रदर्शन कर एसडीओ के खिलाफ नारे लगाने लगे। संविदा कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने लाइन में आई खराबी को दुरुस्त करने के लिए जेई साहब की परमिशन से सिट डाउन लिया था और एक संविदा कर्मी विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था। इसी दौरान एसडीओ पवन मिश्रा ने विद्युत उपकेंद्र पर आकर संविदा कर्मी अभिषेक दीक्षित को सिट डाउन लेने पर अपशब्द कहे, गालियां दी और जबरदस्ती लाइन चालू करा दी। उनका आरोप है कि इस बीच पोल पर चढ़ा कर्मचारी नीचे उतर गया, नहीं तो उसकी जान जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर एसडीओ पवन मिश्रा से हमने इस संबंध में जानकारी की तो उन्होंने संविदा कर्मियों के आरोपों को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि स्टाफ झूठ बोल रहा है, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे और न ही किसी को गाली दी, मैंने सिर्फ अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर कर्मचारियों को मेरी बात बुरी लगी तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। धरना प्रदर्शन करने वालों में संविदा कर्मी नरेश, अभिषेक दीक्षित, रमेश राम नरेश, सर्वेश ओमबीर, मोहम्मद उमर, रफन, जाकिर अली, सौरभ कपूर आदि सहित जैतीपुर का स्टाफ भी शामिल रहा। हम ही ड्यूटी पे थे। अच्छा, तो आपके साथ हुआ? जी जी, हमारे साथ। क्या हुआ? हमारे साथ सिट डाउन चल रहा था रहमुद्दीन का जी। और जेई साहब के द्वारा सिट डाउन दिया गया जी। और आए गाली देने लगे, कहीं किसका वाले का सिट डाउन है। हमने कहा सर लाइन मैन रहमुद्दीन का है और जेई साहब द्वारा दिया गया, का कौन वाला रहमुद्दीन है उसको मेरे यहाँ ऑफिस में भेजो तुरंत, क्यों सिट डाउन लिया? गाली किसने दी? ये सर पवन मिश्रा एस डी ओ। हाँ, तो कटरा पावर हाउस पे। कटरा पावर आपके हाउस सामने कोई बात हुई है? मेरे सामने बात हुई है। क्या हुआ? अंदर से क्या हुआ? निगारी दी माँ बहन की। किसने? आईडियो साहब ने। किसको गालियाँ दी? फीटर पे जी। आईडियो साहब आए, बोले किसका सिट डाउन है जी। एसएसओ से पूछा, अभिषेक से, तो अभिषेक ने कहा रहमुद्दीन का सिट डाउन है साहब। बोले किसने दिया सिट डाउन, किसके उससे हुआ है? तो बोले कि वो रहमुद्दीन का जेई साहब के माध्यम से हुआ है जी। बोले जेई वो रहमुद्दीन है कौन? बुलाओ मेरे पास, बुलाओ माँ डाले जी। वो है। तो ये गालियाँ किसने दी थी? एसडीओ साहब। आपने सुनी थी जी? आप मौजूद थे जी? हमारे रूलर का जैसे तो अभिषेक दीक्षित जी, उसने फ़ोन किया जी कि हमको भैया यहाँ एसडीओ साहब ने आके गालियाँ दी जी और ज़बरदस्ती लाइन लगाने को कहा जी। तो उसने उनकी सारी बातें सुनी जी। इतने बीच में लाइनमैन वहाँ से उतर गया जी, तब लाइन लगाई। आईडीओ साहब की जगह जैसे इतना गाली दी उसको, अगर कोई भी कमज़ोर व्यक्ति होता है तो अगर डर के लाइन लगा देता तो आज हमारा एक संविदा कर्मचारी हम लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल। तो जी, आज का जो वाकया हुआ है, हमने तो ये सुना है कि आपने कुछ गालियाँ दी हैं। सवाल ही नहीं पता क्यों देंगे किसी को जी। कोई ये सब बड़ा आरोप है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस भीषण गर्मी में किसी भी ठेकेदार को किसी प्रकार का शट डाउन न दिया जाए, क्योंकि इस समय पानी लग रहा है, 45 डिग्री बाहर टेम्परेचर है। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि कोई प्लांट शट डाउन भी न कराया जाए भीषण गर्मी को देखते हुए। आज की स्थिति ये थी कि बिना बताए पूरा पूरा फीटर बंद कर दिया गया, शट डाउन दे दिया गया। मैंने कहा ये क्यों दिया गया? एकदम गलत है, इसको तत्काल वापस करें। हालांकि तत्काल वापस भी हुआ, लेकिन वो चूँकि ये दूसरी बार इनकी गलती थी, इसलिए मैंने ये टोका और थोड़ा सा नाराज़गी व्यक्त करी कि भाई जब इस समय हमारा उपभोक्ता इस उम्मीद में कि बिजली आएगी, आ रही है, और उसके बाद हम जानबूझ के बंद कर दें कि साहब चलो हम अपना काम करेंगे, तो इस भीषण गर्मी में काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये काम 10 दिन बाद भी किया जा सकता है।